स्टूडेंट, आज हम कक्षा सप्तम का पाठ द्वितीय लेट लकार भविष्यत काल का अध्ययन करने जा रहे हैं। वैसे तो आपने धातुओं को पिछली कक्षा में पढ़ा है, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधि लिंग लकार और लेट लकार। टोटल धातुएं या कुल मिलाकर धातुएं पांच प्रकार की होती हैं, परंतु आपके पाठ द्वितीय में केवल लट लकार का वर्णन किया गया है। लट लकार यानी भविष्यत काल। भविष्यत काल का मतलब है जो काम अभी नहीं हो रहे हैं या इससे पहले भी नहीं हुए हैं किंतु आगे आने वाले समय में होंगे, उसे भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल के रूप है एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। एकवचन प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो एक वचन वैसे तो रूप पट लट लकार के तरह से ही होते हैं, ती, तह, त्यन्ति, शी, थ, थह, मी, पहा, बा। पढ़ती, पठत, पठंती, पढ़सी, पठत, पठत, पठामी, पठा, पठा, इस तरह से होते हैं। लेकिन लेट लकार में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सहा माने बह, तव माने बे दोनों, ते माने बे, त्वम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों, युयम माने तुम सब, अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम। इन शब्दों के द्वारा ही हम लट लकार को आगे समझेंगे। प्रस्तुत श्लोक में प्रभा अत्र पठिष्यति, पठिष्यति, पठिष्यति में, पठिष्यति में प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग हुआ है। प्रभा आज पढ़ेगी, रमा माला, रमा और माला खेलिष्यत, रमा और माला खेलेंगी। और खेलिष्यत में आपके में प्रयोग हुआ मध्यम पुरुष द्विवचन। खेलिष्यत में प्रयोग हुआ है मध्यम पुरुष द्विवचन। तहां विद्यालयम गमिष्यति, वह विद्यालय जाएगा, वह विद्यालय जाएंगे। गमिष्यन्ति, गमिष्यन्ति में आपके में प्रथम पुरुष और बहुवचन का प्रयोग किया गया है। अब आपका आता है श्लोक नंबर टू। अध त्वं मित्रस्य गृहं गमिष्यसि, तत्र तस्य जन्मोत्सव भविष्यति, युवां तव निर्दिष्टं, यूयं तत्र मिष्टान्नं खादिष्यति। अध माने आज, त्वं माने तुम, मित्रस्य माने मित्र के, गृहं गमिष्यति माने उसके घर पर जाओगे, आज तुम मित्र के घर पर जाओगे। तत्र तस्य जन्मोत्सव भविष्यति, वहाँ तुम्हारा जन्मोत्सव होगा। भविष्यति माने होगा, भविष्यति। युवां तत्र निर्दिष्ट, निर्दिष्ट माने नाचोगे और तुम वहाँ पर नाचोगे। यूयं तत्र मिष्टान्नं खादति, तुम सब वहाँ पर मिठाइयाँ खाओगे। अब अध त्वं मित्रस्य गृह गमिष्यसि, गमिष्यसि में मध्यम पुरुष और द्विवचन का प्रयोग किया गया है। भविष्यति में प्रथम पुरुष और एक वचन का प्रयोग किया गया है। नर्थ्यस्तु तो नाचने में किया गया है मध्यम पुरुष द्विवचन का। खादिष्यत में भी मध्यम पुरुष द्विवचन का प्रयोग किया गया है। अब आता है श्लोक तीन। अहम क्रियां गमिष्यामि, मैं खेलने जाऊँगा। अहम क्रियां गमिष्यामि, मैं खेलने जाऊँगा। आवाम तरण प्रतियोगिताम गमिष्यामि, हाँ हम दोनों तैरने वाली प्रतियोगिता में जाएंगे। वयम उद्यानम भ्रमिष्या, हम बगीचे में भ्रमण या घूमने जाएंगे। तो इसमें गमिष्यामि, गमिष्यामि में उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया गया है। गमिष्या उत्तम पुरुष द्विवचन का प्रयोग किया गया है। और भविष्याम हमें उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, आज का जो आपका पाठ था वह लेट लकार पर आधारित था। यह इस पाठ का समापन हम लेट लकार के कुछ शब्दों के द्वारा करेंगे। पठिष्यति माने पढ़ोएंगे, गमिष्यसि माने जाओगे, खेलिष्यत माने खेलेंगे, नर्थिष्ट माने तुम दोनों नाचोगे, रक्त दुर्गे माने लाल किला। तो ये जो इसमें शब्दार्थ दिए गए हैं बच्चों, वो आपको अपनी कॉपी में करने हैं। धन्यवाद।